प्रिंसिपल मैडम, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों को नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनी। भारत के 70% से अधिक लोग हिंदी को समझते और बोलते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा के संबंधित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी के सम्मान और महत्व को लोगों तक पहुंचाना है। हिंदी दिवस हिंदी भाषा भारत संसार भर में 4वें स्थान पर सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। संसार भर में 150 से भी ज्यादा विद्यालयों में हिंदी भाषा विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा नमस्ते शब्द हिंदी भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। इंटरनेट पर हिंदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। हिंदी भाषा हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा भी है। आप सभी के लिए एक पहेली है। क्या आप सब जानते हैं कि हिंदी दिवस की घोषणा किसने की? बोलिए, जानते हैं किसने की हिंदी दिवस की घोषणा? बताइए। चलो मैं एक संकेत देती हूँ। वह हमारे राष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब बताइए। ओके, चलो मैं बताती हूँ। वे हैं श्री मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने हिंदी दिवस की घोषणा की। अब हम हमारी प्रिंसिपल मैडम की आज्ञा से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर हमारा पहला कार्यक्रम हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक अनोखा नाटक जो हमारे राष्ट्र के अलग अलग भाषाओं को दर्शाता है।
जिसका बोला मेरा मान है, जिसके सुंदर अक्षरों पर मुझे नाज है, वही मेरी इस भारत की पहचान है।
संगीत सुनकर मुझे भी नाचने का मन कर रहा है। तो चलो एक नृत्य आप सबके सामने पेश किया जाए। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।